आगे भाई आगे गांधी ने नेहरू जी ने जवान बनाया था फौज में भर्ती के लिए, वो मरता भी फौज में था जीता भी फौज में था। आज आपने देख लिया, चार साल के लिए अगर आप नौकरी देंगे तो उसकी शादी भी नहीं होनी है। हरियाणा का हर आदमी समझता, हम फौज में जाते थे, घर में किसान हमारा बड़ा भाई, हमारे पिताजी काम करते थे। ऐसे बड़े जो जारू नेता है कांग्रेस के, समय समय पर अनेक विरोध प्रदर्शनों में उनकी महत्वपूर्ण भूमिका रही है, जिसके कारण वे पूरे देश प्रदेश में पूरे विख्यात हैं अपने जुझारूपन के कारण। उनका स्वागत करते हुए वी आर कोचिंग यहाँ बैठे हुए सभी उत्सुक हैं अपने प्रिय नेता जगदीश शर्मा जी के एक झलक पाने के लिए। यहाँ जो आज का प्रोग्राम है, ये दादा खेड़े का, नगर खेड़े का जो प्रोग्राम है, इसमें श्री जगदीश शर्मा जी का आशीर्वाद लेने के लिए यहाँ पहुंच चुके हैं। धीरे धीरे स्टेज की तरफ अग्रसर होते हुए जगदीश शर्मा जी, देखिए भारतीय जनता पार्टी के लिए हम एक हैं, एक ही रहेंगे। वो तो ढूंढ रहे हैं मौका कि किस तरह इंडिया दल में बाढ़ हो, उनका फायदा मिले। उनका स्वागत करते हुए ईमानदारी के साथ में किसान की मदद करने के बाद आगे बढ़ते हुए सचिवगढ़ में देख रहे हैं, किसानों के बीच में खड़े हैं। वो नौजवान नेता कभी भी प्रधानमंत्री बन सकता था, पर नहीं, उसने सोचा पहले मैं गांव को देश को समझूंगा। बढ़ाई हो या किसान हो, हर आदमी उसको प्यार करने लगा। सभी नेतागण झूठ नहीं बोल रहा है, गुमराह कर रहा है, वो जैसा है वैसा है। पेनल्टी पड़ रही है, बैंक में पैसा नहीं है, हाल में बैंक टूटने वाले हैं। हमारे समय में बैंक में पैसा लगते थे, आज बैंक में पैसा लगते हो तो पेनल्टी देनी पड़ती है, वो डर है। अग्रसर होते हुए वहाँ पे छायाकार बंधु से वार्तालाप करते हुए राज्यसभा ये स्टेट के चुनाव में थोड़ा आप इंतजार करिए, आ गया है। आपने के बाद भी हिमालय पर चढ़ता, उसके बाद धरती पा जाए तो भगवान को बताओ किसका काम कर रहे हैं, क्या क्या आइटम किसान की डबल आए कहेंगे, किसान को मार रहे हैं। 800,000 किसान मरे सबने देखा, राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी कंधे से कंधा मिला, उनकी आवाज हरियाणा यहां तक खड़े रहेंगे, आपकी आवाज आनी चाहिए। जय जवान जय किसान, उसी नारे के साथ चलेंगे।
लगातार जारी रखें, थोड़ा सा आगे आ जाइए।